वेलकम टू रेड ऑन वेब। आज हम अनबॉक्सिंग के लिए आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और क्लासिकल सेट है, और डिज़ाइनिंग अगर आप इसकी देखेंगे तो नो डाउट कि रूम में रखा हुआ बहुत ही एलिगेंस लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। और साउंड की क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो 135 वॉट्स RMS का बेहतरीन साउंड सिस्टम है, FNT कंपनी का F6000X। होम थिएटर की सीरीज में है, 5.1 इनेबल है इसके अंदर, 2.1 में आप इसको चला सकते हैं। ब्लूटूथ, FM और ऑक्स कनेक्टिविटी, तमाम तरह फीचर्स और फंक्शंस के साथ है, फुली लोडेड सेट है। ये इसकी कार्गो पैकिंग है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और कार्गो पैकिंग होती है, अंदर इसकी दूसरी पैकिंग है जो कि कलरफुल है, इसको निकाल लेते हैं हम आज। बाकी बटन सामने दिए हुए हैं, और अच्छी बड़ी कंपनीज के सेट इस किस्म के कई आते हैं, मॉडल में नाम लेना नहीं चाहता इस वक्त। ये आप देख सकते हैं इसका सेंटर स्पीकर आ गया, ड्यूल स्पीकर्स हैं इसके अंदर, बाकी चार स्पीकर्स हैं। टोटल वॉट्स जो है वो 135 RMS बनेंगे। वो अगर हमारा स्टूडियो में बन जाए, ये देखें इसके अंदर से बैटरी निकली है। ये इसका रिमोट है जो कि फुली लोडेड है, तमाम तर फीचर्स फंक्शंस के साथ है, कंट्रोल है। इसका भी मैं आपको ऑपरेशन बता दूंगा, फंक्शन बता दूंगा। इसका यूज़र मैनुअल गाइड आ गया है, ठीक है जी। एक केबल इसके अंदर से निकली है OnePlus 2, ठीक है जी। बाकी जो ये तीन केबल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों RCA to RCA हैं, यानी कि 2+2 की केबल है, या फिर टीवी में DVD प्लेयर में 5.1 इनेबल के लिए है, ठीक है जी। अब हम आ जाएंगे अपने स्पीकर्स की तरफ। ओके जी, अच्छा जी, स्पीकर्स का डिज़ाइन तो बड़ा खूबसूरत दिया है इन्होंने, और ABS मटेरियल में, और अगर बैक पे हम देखेंगे तो वॉल माउंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है जी। और इस पर लिखा हुआ भी है फ्रंट। कई लोग ये पूछते हैं कि फ्रंट स्पीकर कौन से हैं, रियर स्पीकर कौन से हैं, ये फ्रंट है। फ्रंट का वायर हमेशा छोटा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। प्लास्टिक मटेरियल में इसका, और यहाँ मटा देते हैं इसकी, ठीक है जी। मेटल की इसकी ग्रिल आ गई है। सामने इसका पियानो ब्लैक है, ग्लॉसी है, FNT का लोगो आ गया, और यहाँ पे इन्होंने ट्यूटर दिया हुआ है छोटा, ठीक है जी। इसके स्पीकर्स जो है वो, उसकी भी अभी मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कितने वॉट्स के हैं। इसका सेकंड स्पीकर बाहर निकाल लेते हैं, साउंड की क्वालिटी 85 की और 85 से मैच करती हुई क्वालिटी जो है वो आपके FNT की आपको मिल जाती है पाकिस्तान में, अगर आप क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप 85 ले सकें, क्योंकि 85 का प्राइस काफ़ी अप हो गया है, तो आप FNT यूज़ कर सकते हैं। FNT बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, ईस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, तो आपके लिए बेहतर है जी। ये सेकंड स्पीकर आ गया, अच्छा इस पर रियर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, यानी कि रियर है, और इसका वायर भी ज़्यादा है। ये बैक पर लगेगा, आपकी बैक साइड पर लगेगा, फ्रंट पर नहीं लगेगा, ठीक है जी। वॉल माउंट है इसके अंदर भी, ओके जी। दूसरे स्पीकर से हम निकाल लेते हैं, अच्छा जी ये आ गया हमारा सेंटर स्पीकर। सेंटर स्पीकर जो है वो ये देखिए, सेंटर स्पीकर की खूबसूरती जो है वो हर कंपनी अपनी अच्छी बनाती है सेंटर स्पीकर्स को। इधर ये आ गया जरा, इसकी लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही औसम है, क्लासिकल है, ड्यूल स्पीकर्स हैं। सेंटर में इसके ट्यूटर आ गया, यहाँ पे स्पीकर्स आ गए, FNT का लोगो है, और ये बैक पे आप देख सकते हैं दो वॉल माउंट दिए हुए, इधर लिखा हुआ भी है सेंटर स्पीकर, ठीक है जी। और ये भी प्लास्टिक मटेरियल है, स्टाइलिश है, खूबसूरत है, ठीक है जी। सामान अब हम सारा खोल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लगा के फिर प्रोडक्ट का तो हम रिव्यू आपको दे ही रहे हैं, इसकी क्वालिटी का भी रिव्यू दे रहे हैं, साउंड का रिव्यू हम आपको देंगे जब हम इसका साउंड सुन लेंगे। ओके जी, ये हमारा आखिरी स्पीकर आ गया है, ये भी रियर है और बड़ा तार है इसका, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सबवूफर की तरफ। सबवूफर इसका बड़ा है, सबसे मेन पार्ट जो होता है वो सबवूफर का ही होता है किसी भी साउंड सिस्टम में, क्योंकि सबवूफर के अंदर ही पूरी इसकी मशीन फिट हुई होती है, सर्किट फिट हुआ हुआ होता है, और जितना सबवूफर में जान होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी आपको साउंड की दे जाएगी। स्पीकर्स
इसका मैटर नहीं होता कि वो प्लास्टिक मटेरियल में है या किस में है, वो अगर उसके अंदर स्पीकर की क्वालिटी अच्छी लगी हुई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सेट है और स्टाइल बहुत अच्छा है, बिग साइज़ है, आप देख सकते हैं ये बिग साइज़ है और पूरा MDF मटेरियल में लगा हुआ है। और इसकी अगर हम थिकनेस की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि तकरीबन 20-21 mm का ये आपका जो कैबिनेट है। अच्छा जी, बैक पैनल की तरफ हम आ जाते हैं। ओके भाई, ज़बरदस्त काम हो गया, आपको इसमें ऑप्टिकल मिल गई है, ऑप्टिकल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और मॉडल आता है इसका FND का 5060X, उसके अंदर ऑप्टिकल नहीं है लेकिन 5.1 है, इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर है ऑप्टिकल की वजह से, और कैबिनेट भी इसका बड़ा है, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका जो है वो ऑक्स कनेक्टिविटी है, ऑक्स पे लगाने के बाद भी आप पांचों स्पीकर चला सकते हैं, इसमें ऑटो डिकॉर्डर लगा हुआ होता है। ये तीनों जो इसकी इनपुट है ये 5.1 चैनल के लिए, अगर आप प्योर 5.1 चलाना चाहते हैं DVD प्लेयर के थ्रू तो लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको ग्रे और ब्लैक नज़र आ रहा है ये इसके रियर होते हैं, यानी कि बड़े तार वाले इसमें कनेक्शन लगेंगे, इस पर लिखा हुआ भी है रियर। सेंटर में ब्लू है, इसका सेंटर लगेगा, और ये वाले जो है ये इसके फ्रंट हैं, ठीक है जी, ऑन ऑफ आ गए। ये FM का एरियल है इसका, और ये इसकी पावर केबल है, ठीक है जी। इसके फ्रंट के लुक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है जी, फ्रंट के लुक के बारे में मैं तो समझता हूँ कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, जितना ये स्टाइलिश है, खूबसूरत है। 8 इंच का बेसर है इसका और सबवूफर लगा हुआ है। फ्रंट जो है वही सेम इससे मैच कर रहा है, जो कि ग्लॉसी है और पियानो ब्लैक में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बटन्स आ गए हैं, सारे बटन्स जो है वो सिल्वर के इन्होंने दिए हैं, और टच बटन है सारे ये, ठीक है जी, सॉफ्ट बटन है, अच्छे रहेंगे, पायदार रहेंगे। यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन आ गई है और FND का लोगो आ गया, ये इसका मेटल है, यहाँ पे FND का लोगो आ गया। नीचे हम देखेंगे तो रबर के इन्होंने पैड यूज़ किए हैं ताकि ये स्लिपरी ना हो अगर आप इसको कहीं रखते हैं, ठीक है जी। एक दफ़ा इसके आप लुक देख लें, फिर इसको हम कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद आपको हम साउंड डेमो की तरफ चलेंगे। फाइनली हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और तमाम तरह हमने इसके वायर्स जो है वो ज्वाइन कर दिए हैं, और USB में हम इसको प्ले कर रहे हैं, ब्लूटूथ पे भी आप प्ले कर सकते हैं। NCS के हम ट्रैक इसमें यूज़ करते हैं कॉपीराइट की वजह से। अभी हमने USB प्लगिंग की हुई है, आए मैं इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस वक्त मैंने इसकी सेटिंग 5.1 पे रखी हुई है, ठीक है जी, और 5.1 में ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट है, सेंटर है और रियर है और सबवूफर है, इनके चारों के चैनल्स के जो साउंड है वो आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर को मैंने अभी 4 पे कर दिया है, और फ्रंट को मैंने वो भी 4 पे कर देता हूँ, और जनाब रियर को भी मैं 4 पे कर देता हूँ। सबवूफर जो है वो 5 पे जाएगा, हम इसको 3 पे कर देते हैं, ठीक है जी। USB से हम प्ले कर रहे हैं, अब साउंड डेमो की तरफ हम अपने चलते हैं, फिर साउंड का आपको रिव्यू दूंगा मैं थोड़ा सा। रियर फ्रंट और सेंटर की सेटिंग, और इसका सबवूफर जो है वो जब तक आप फ्लोर पे नहीं रखेंगे, यानी कि
डाउन पे आपने करना है, ऊपर उठा के नहीं रखना है, उसके साउंड का मजा नहीं आएगा। अगर आपका रूम 25x25 का रूम भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है, एलईडी के साथ आप इसको अटैच कर दें, बेहतरीन साउंड सिस्टम है, क्वालिटी बहुत ही शानदार है इसकी, तमाम तर वॉइस जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसका प्राइस मैं आपको अपडेट देता हूँ, 45,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।